अभी तो जा रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अभी कहाँ हो? हिंदुस्तान में ही ना, पर लेकिन अब थोड़े दिन के बाद फिर ठंड का स्थिति बहुत गड़बड़ होने वाला है। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि थॉट प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, होता है ये रहता है कि अब बोलना क्या है आगे ब्लॉग में, ऐसा हो जाता है, सिचुएशन आ जाता है। मैं तो वीडियो बना के तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे। चल चलो जाओ उस घर में जाओ जल्दी। नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी तो जा रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अभी कहाँ हो? हिंदुस्तान में ही ना, वैसे मत करो ठंडी लग जाएगा तुमको। चलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम मैंगनी, यू आर वाचिंग माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम में घूमने के लिए बस निकल रहे हैं अभी, और जो चीज़ हम बोले हुए थे उस पर अभी हम सोच ही रहे हैं कि क्या कैसे करना है उसमें चेंज, तो उसका भी चेंज हो ही जाएगा, हम कर ही लेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अच्छा से एक प्रोसेस होने के बाद ही, थिंकिंग प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है एक चीज़। तो अभी चलते हैं फिलहाल बाहर के लिए और थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग निकाल के आते हैं, तो लेट्स गो। अभी तो ऐसा मौसम है कि अभी आप निकल भी सकते हो कि ठंड उतना नहीं लग रहा है, बट लेकिन अब थोड़े दिन के बाद फिर ठंड का स्थिति बहुत गड़बड़ होने वाला है, और उसमें निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बाइक से जाओगे कहीं पे भी तो ठंडा तो लगेगा अच्छा खासा अमाउंट में। अभी वही बोल रहा ना कि अभी अगर निकल भी सकते हो बट लेकिन उस समय थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। अभी ठीक है तो अभी घूम लेते हैं, और क्या बात, बाकी दिसंबर का ठंड और जनवरी का ठंड बहुत क्रेजी टाइप अजीब होता है, वो सब तो अभी बाकी ही है। दिसंबर में भी अभी एंटर नहीं किए हम लोग, दो दिन के बाद एंटर हो जाएंगे, आज 29 है। तो अभी तो ऐसे इधर घूम ही रहे थे बस, लेकिन होता क्या ना कि कभी कभी वीडियो हो जाता शॉर्ट, अब शॉर्ट जब वीडियो हो जाता ना तो उस चक्कर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि डाले कि नहीं डाले। भैया देखो धुआं का सो चला रहा है, गाड़ी में से धुआं देना स्टार्ट, वैसे भी ठंड में बहुत ज़्यादा धुआं देता। हाँ तो वीडियो शॉर्ट हो जाता है, इस कारण से कॉन्फिडेंस नहीं आता रहता उसको डाले कि नहीं डाले। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बना, हर दिन का वीडियो ऑलमोस्ट शूट कर ही लेते हैं, ठीक है, बट लेकिन किसी दिन अगर ऐसा रह गया कुछ, या अनसेटिस्फाइड नहीं हुए, या कुछ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया, तो उस दिन नहीं डाल पाते, सोचते हैं कल वाला डाल देंगे, बट लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए रहता है। तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन मेन बात ये है ना कि दरभंगा में रहते हैं तो सेम रूटीन रहता है हमेशा का, अगर दिन में निकले तो सही है, अगर कोई काम वाम से निकले थोड़ा सा टाइम के लिए तब तो बना ही लेते हैं वीडियो, अगर वही शाम में बनाते हैं तो फिर कभी कभी छूट जाता है, तो वही दिक्कत हो जाता है। ये एक चीज हो गया। हा। तो अभी तो पहले जाएंगे वापस से घर, और उसके बाद हमको फिर निकलना है दादाजी को लेकर, एक जगह है भोज, तो उसी भोज को, भोज में लेके जाना है दादाजी को, दोनार के उस साइड, गुमती के उस साइड है, तो वहीं लेके चलना है, वहीं लेके जाएंगे, अभी पहले पहुंचेंगे घर। कभी कभी क्या होता है कि थॉट प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, होता है ये रहता है कि अब बोलना क्या है आगे ब्लॉग में, ऐसा हो जाता है, सिचुएशन आ जाता है, तो उस सब सिचुएशन में अभी हम फंसे गए हैं अभी का मोमेंट में बस, बाद बाकी कल क्या बोलना हो तो कल ही डिसाइड करते हैं, कल ही बोल देते हैं, वो होता है, बट लेकिन अभी के सिचुएशन में अभी हम यहीं पे स्टक हो गए हैं। लेकिन एक बात, एक बेनिफिट रहता है ये कि अगर कोई भी त्योहार आता है, कोई भी ऐसा मोमेंट बनता है ना, उसमें क्या होता है कि आप, हम जाते हैं रील के लिए कंटेंट निकालते हैं उसमें से, और उसके साथ साथ ब्लॉग भी बना लेते हैं, बट लेकिन उस समय का रील कंटेंट होता है ना वो ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज ब्लॉग वाले में और रील वाले में। तो ये बेनिफिट होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा से लेके छठ तक पूरा एकदम लगातार डालते गए, डालते गए, डालते गए,
उसमें एक तरह से समझो कि रेस्ट करने तक का डेली एक वीडियो एडिटिंग रहता ही था, रील का और डेली व्लॉग एडिट तो करते ही हैं बट लेकिन रील का भी रहता था। तो रील में ये रहता है कि लगातार परफेक्टली निकालो शॉट, उसको परफेक्टली यूज़ करो, फिर जाके हो गया। बट क्योंकि व्लॉग मेरा रॉ व्लॉग रहता है, उसको नॉर्मली कट करके और बाद बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का फुल्का लगा के बस एक्सपोर्ट कर लो, बस हो गया। बट लेकिन रील के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरा म्यूजिक और कट अच्छे से लगाओ और जो भी अच्छा वीडियो का पोर्शन है उसको अटैच करो वहाँ पे, उसके बाद जाके बनता है अच्छा सा अच्छा रील। हो चलो आज का ज्ञान यही था मेरे पास। तो अब तो पहुँचने ही वाले हैं हम घर, तो पहुँचते हैं घर, उसका फिर निकलते हैं दादाजी को लेकर।